अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। मैं भी बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी कि मैं बड़ी देर बाद आज अपने घर आया हूँ। ये है मेरे कल मजाक के अंकल हैं, मेरे पुप्पा जी हैं, इनका नाम है अंकल बशीर है, और वो हैं शुएब साहब, भाई हैं हमारे। ये मेरे भाई हैं, बड़े नाम दसो जी अपना। मोहम्मद बिलाल बशीर। अरे ये है मेरे भाई, आप भी अपना नाम बताएं। मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर नाम इनका है, मोहम्मद जुबैर। अभी हम बैठे हुए हैं ये मजलिस में और हम जा रहे हैं मंदी खाने और बनाने खुद ही सारा। अंकल जी आपका दिल लग गया यहाँ? लग गया यार हमारा मोटा। मैं एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह कतर के बाद यहाँ पे उमरा शरीफ करने आया था। दो दिन मैं मक्का शरीफ रुका हूँ, उसके बाद फिर भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आ जाओ सीधा। तो ये अलकसीम का एरिया है, साथ तो ये एक हिस्ट्री है, थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लेंगे और साथ में मज़े मज़े के खाने खाएंगे इंशाल्लाह इनके पास। साथ हम बहुत खुश हुए हैं, आज हसन साहब आए हैं हमारे घर में, तो हमें बहुत ही बड़ी खुशी हुई है। अब इंशाल्लाह हम हसन साहब को जो है ना खिलाएंगे। खाने का नाम लेके इन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, वैसे तो यार नहीं रहे थे, वैसे हमने इनको स्पेशली यही बोला था कि भाई आपको हम मंदी खिलाएंगे बना के, और साथ में बकलावा बसपूसा जो इनकी फेवरेट गजाएं हैं वो भी इंशाल्लाह इनको खिलाएंगे और दिखाएंगे भी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह और अपना एरिया अल कसीम इंशाल्लाह इनको विजिट करवाएंगे। ये अभी हमारा एक कजन है जैन, उसका नाम है, उसे हमने सरप्राइज देने, सो इसलिए उसे बताया नहीं कि मैं आया हूँ। उसका रिएक्शन देख लें। फिलहाल साहब फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ हूँ, तो वो उसे समझ रहे हैं वो कहीं बाहर निकला हुआ है। पहला तेरे वास्ते की रहा, केड़ी चीज लाके आया था मैंने मिल के आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा भाई, कैसा लगा? क्या जबरदस्त सरप्राइज मिला, कैसा लगा जनाब? के रहा दो के सरप्राइज ज्यादा सोच रहे हैं, चल के ये ब्लॉग चल रहे हैं। ये मेरे भाई है जैन साहब, छोटे भाई है मेरे, तो बड़े प्यारे भाई है और माशाल्लाह सही मतवे है। बताओ बताओ जरा। ये अंकल बशीर है। ये अंकल बशीर है, जैन के अंकल बशीर है, हमारे बाबा जान ही हैं, ये हमारे खालू हैं। और जैन के ये खालू भी हैं, मेरे पुप्पा जी हैं, पुप्पा जी हैं, और अंकल हमारे एक दोस्त की दुकान है, बकाला गावा शाही यहाँ से मिलता है, हम गावा पीने आए हैं। ये डबल नफेर जो है ना, ये है इनका नाम बताएं। अली अली अनेजा की सबसे बेस्ट खजूर यहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है। अली साहब सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जनाब अली साहब, ये इनकी शॉप है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बड़ी बरकतें दे जी, बहुत अच्छे है। अच्छा माशाल्लाह, वो सर्दी अंदर तो बड़ी, ये तो यार माइनस टेम्परेचर है जी, बहुत सर्दी है माशाल्लाह। ये सारी खजूरें लगी हुई हैं, स्टोर है माशाल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत है ताला फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा ये है जी माशाल्लाह, ये फल है जी, सऊदी अरब का खास, ये इसे वो आप ले आते होते हैं घर भी, ये क्या है इसका नाम है? सुकरी, सऊदी अरब का खास तोहफा है। अल कसीम की आंदा, उन्होंने पूछ लो कैसे खवाना है।
अलकसीम की ये स्पेशल खजूर है। अली इसका क्या नाम है? अली इसका क्या सबसे स्पेशल जो इसको बोलते हैं? सुखरी फाखर, यानी जवान खजूर इसको बोलते हैं। सिमसम शबाब, सिमसम ये जो तहीना इसमें खजूर डिप करते हैं और इसको ये जैसे कि तिल होते हैं ना, तिल उनका ये जो बनाते हैं क्या यार, इसको पीस के ना तखमीना आपने लगाया वो भी बड़ा कमाल करता है। जो भी है सऊदिया की ये स्पेशल, अगर सऊदिया में ये आए हैं तो क्या कहते हैं खजूर नहीं खाई ना? नहीं, ये वाली खजूर मक्का मदीना शरीफ से तो नहीं मिलती, हाँ वहाँ से नहीं मिलती, क्योंकि मैं अच्छा। और ये है जी गावा, अरेबिक गावा, तशक्कुर। बहुत आला, इसकी खुशबू ही बड़ी एक अलग सी है। ये अभी मंदी के लिए ये ना मीट लेने आए हैं। गार्डिश, ये अभी हम आए हैं यहाँ पे ना मंदी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं भाई साहब। क्या क्या कुछ लेना है भाई? अभी आगे से हम चौक से इधर नहीं है मिली, आगे से चेक करते हैं। वो चिकन मिलेगा, बकरा हमने ले लिया, ले लिया। दो किस्म की आपने मंदी बनानी? दो किस्म की इंशाल्लाह मंदी बनाएंगे, एक चिकन। तो कितना टाइम लगेगा? दो तीन घंटे लगेंगे तकरीबन, इसमें तीन घंटे की मेहनत होगी मंदी तैयार होने में। तकरीबन रात 11:30 बजे इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, लगेगा अभी इंशाल्लाह। ये जब मंदी में जो चिकन डालते हैं ना, हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये चिकन कैसा है, इसकी रेसिपी कैसी है। हार है ये नहीं, हार हम बोलते हैं कि स्पाइसी को, या स्पाइसी है या नॉर्मल है? नॉर्मल। अभी हमें जो चिकन हम ढूंढ रहे हैं वो हमें स्पाइसी नहीं मिल रहा, नॉर्मल मिल रहा है। ये भी आपने चार लिए तो है, चार स्पाइसी है और चार काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज हमारी फैमिली गेट टूगेदर हो रही है, तो बच्चे भी इधर हैं, बच्चे भी बड़े शौक से जो है ना वो खाते हैं मंदिर। तो फिर अभी चार और लेने, तो मटन भी तो इतना बकरा लिए, वो मटन भी हम यूज़ करेंगे। ये स्पेशली जो है ना आपके लिए जो एक रखा है, क्योंकि दो टाइप की मंदी एक टाइम में बन जाएगी इंशाल्लाह। समझ ये अब जो है ना हम मंदी के लिए कुछ सामान है, इसको गरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरा बोलते हैं। जगरा गरा गरा गरा, ये गरा है। तो इसमें आलू गरा डालते हैं, ये इसको पूसा बोलते हैं अरबी में, काली तोरी है, काली तोरी, ये काली तोरी है अरबी में, उसको पूसा, शिमला मिर्च है, बैंगन है। अच्छा ये इन्होंने सारी कट करके रखी हुई है, ये आपको मेहनत ही नहीं करनी सारी कट। अच्छा ये माशाल्लाह देखे, लेमन, ये लेमन है, ये जो है ना चिली है ना, रेड चिली, रेड चिली है, इसमें डालते हैं इसकी थोड़ी सी जो है ना, ये पपीता है ना, पपीता, ये बहुत, ये पपीता ले रहा एक, ये डालते हैं ना, पपीता ले आया, गया लिया हुआ है, ये भी एक मुझे भी चाहिए ना, ले लिया। ये क्या करना? मैं अभी खा रहा हूं कच्चा, कच्चा नहीं खा, ये कच्चा है, हां ये कच्चा है। अच्छा ये वैसे अच्छा होता है ना स्टमक के लिए, बड़ा चिकन ले लिया। ये कुछ मसाले भी आते हैं इधर, देखभाल ऑयल यूज करना है या जैतून का, आपको पता हो क्योंकि आप बनाते हैं, मुझे नहीं पता। ये हमारे जहीद भाई हैं। अच्छा। जो मंदी के कुक हैं और मास्टर है, बहुत मास्टर है माशा, इंशाल्लाह ये ही तैयार करेंगे, आपको यही खिलाएंगे और इंशाल्लाह एंड पे इंशाल्लाह आई एम बिल पे करें, जरा देखते हैं। साहब ये मजरा जी, मैं करता हूँ, ये मजरा जी हमारे दोस्तों का, ये अली भाई उनके मजरा, सबसे पहले तो बताएं खजूर का जो बाग होता है ना हम उसको मजरा बोलते हैं। ठीक है, मजरा आम लफ्जों में खेत होता है। अच्छा, खेत अरबी में उसको मजरा बोलते हैं। यहाँ खेत है, ये खजूरों का खेत है, ये सारी खजूरें हैं, रात का टाइम है, नजर नहीं आ रही है लेकिन माशाल्लाह लेकिन बहुत जो है ना, हमने एक इसमें हमने बहुत ज्यादा सेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है।
आगे चलते हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। हम जुमेरात को ख़ास तौर पे टोटली फ्रेंड्स जो है ना, यहाँ हम जो आके पार्टी वगैरह करते हैं, कोई खाना वगैरह को डिनर वगैरह। तो वो फार्म हाउस की तरह आपका फार्म हाउस वो दूसरी जगह पे है, तो ये जो है ना अंदर बनाया हुआ है माशाल्लाह। अभी सर्दी की वजह से बाहर नहीं हम लगा सके। ये अभी मंदी की तैयारी हो रही है जी, अभी वो मंदी बिस्मिल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा एक वो आउटसाइड आउटडोर है और एक ये इनडोर है। इनडोर भी आपको पहले दिखाते हैं, बाकी बहुत ठंडी हवा है। हालांकि यहाँ पे सऊदीया में सर्दी कभी नहीं वैसे सुनी, ये है जबरदस्त माशाल्लाह। मजलिस भी कह सकते हैं आप इसे, इसको मजलिस ही कह सकते हैं। रैबिट सिस्टम जो है ना ये यही है, और बाहर सर्दी की वजह से जो है ना नहीं लगा सके। और जो आगे वो जाहिर भाई हैं वो मंदी बना रहे हैं, अब वो सारा सामान तो लेके आए इकट्ठे। पहले हम सामान ले चुके हैं उसका मंदी का, आगे ये जनाब अभी सिस्टम भी काम रेडी है। ये एक ड्रम नीचे रखा हुआ है जो इसको इसके अंदर आग जलाई जाती है। आग अब जब इसके कोयले तैयार हो जाएंगे ना फिर मंदी इसमें तैयार हो, इसमें मंदी तैयार होगी। सुकून है यहाँ पे जो है ना, ये आग क्या ये हसन साहब आप कह रहे थे पाकिस्तान में हमें ये चाहिए, ये इंशाल्लाह आप आएंगे मैं अभी फार्म हाउस में ये तैयार करवाता हूँ। आपको ये जरूरी है कि ये इस तरह का ड्रम और इसको बर्मील अरबी में बोलते हैं, ये जमीन में गाड़ना पड़ेगा, करवा लेंगे रेजिन में। और ये एक सिस्टम है यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, अच्छा गैस काम कर रहा है। तो वहाँ पे वो कोयला वगैरह या ये इस तरह जो ये लकड़ियाँ हैं जैसे ये पाकिस्तान में ये आग तैयार हो रही है। दूसरी तरफ जनाब ये जहीर भाई हैं और ये मुर्तजा भाई हैं, ये मंदिर है। अच्छा यहाँ पे ये इन्होंने नीचे चावल रख लिए। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं मिला हूँ पहले। क्या हाल है, ये थोड़ा सा बताएं था सर, ये चांदी का वर्क लगा हुआ है, चांदी का वर्क लगा रहे हैं क्योंकि इधर नीचे बकरा रखा जाएगा। अच्छा ठीक है, ऊपर हम जो है ना चिकन रखेंगे और सबसे नीचे जो है ना ये चावल का मसाला तैयार हो रहा है, सही रखेंगे। बाद में ये कलर इसको हम चमक बोलते हैं सबर, ये इसमें क्या है बकरा जो है ना वो बॉयल हो रहा है, क्योंकि बकरा और चिकन जो है दो इसमें एक हीट नहीं मिल सकती। अच्छा चिकन जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है और बकरा जो है देर से, इसलिए इसको बॉयल किया जाता है ताकि वो उसकी और चिकन की और बकरे की बराबर हो जाए, पक जाए दोनों चीज़। जमीन के नीचे जो है ना दफन करना है एक दो घंटे के लिए। अच्छा जमीन के नीचे जो है ना एक चब को हम जमीन के नीचे रख देंगे, ये अभी जैसे ही इंशाल्लाह प्रिपेयर होता है ना तो फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये बकरा जनाब बॉयल नीचे पे आते हैं ना। अच्छा जी हसन साहब, हाँ जी, ये बकरा बॉयल हो चुका है, अब इसके ऊपर जो है ना बहारा यानी मसाला जा छिड़काए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बाद में इनको ये एक शबक है तो इसमें जो है ना सेटिंग की जाएगी इसकी। नीचे जहीर भाई नीचे बकरा रखा जाएगा के ऊपर, नीचे जनाब बकरा रखा जाएगा, ऊपर हम रखेंगे चिकन। सही है, ताकि कुछ बंदे और चावल बकरा भी खाएं और कुछ चिकन भी खाएं। चावल 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 जो है ना इसके नीचे जो है ना। ये मसाले डाले जा रहे हैं, ये ग्रेवी तैयार हो रही है, ये चावल है, ये चावल डाल के चावल है। अच्छा यहाँ पे चिल्ली उन्होंने जी पूरी काटी नहीं है, इसी तरह साबित ही सालम ही डाल दिया और पपीता डाला है साथ में, जिस तरह आपको अपने पहले भी ये दिखाया था माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। चलो जी बस ये फिट आ गई है, अब इसके ऊपर भी कोई मेरे ख्याल में बंद करने के लिए नहीं, बिल्कुल आ रहा है जी मुझे भी, और ये मुझे हाँ अभी लाइट हम ऑन कर देते हैं
ताकि आप। अच्छा मुझे ये बताएं आप इसे कितनी देर इसने इस तरह रहना है? ये भाई कितनी देर रहेगा ये आके इसके अंदर? ये डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा मतलब कि एक घंटा से इसी में। आपने जितना एक्सप्लेन कर दिया ना, अब तो कोई बाउंसर भी उठेगा तो बना लेगा। 35 मिनट में रखेंगे तो ये अगर कम रखेंगे तो ये कच्चा भी रह सकता है। अच्छा हाँ, इसकी ये भी एक खासियत है, टाइम ज़्यादा लग गया तो कच्चा रहेगा, ये जल सकता है। अच्छा जल रहा है, अगर टाइम कम लग गया तो ये कच्चा रहने के चांस होते हैं। ये तनाव जिसे अब इन्होंने बंद कर, ऊपर तो वजन भी रखना है जी बड़ा कोई दे। अच्छा ये सेंसर समझ लो कि अभी ये पर्दा दे रहे हैं जी सर, ये गीले की। अच्छा ये गीले, ये लाइक जिस तरह बोरी होती है ना एक जबरदस्त। और अब ये डेढ़ घंटा हमने क्या करना है? वेट हमने जब से लगाए हम जब आप डेढ़ में 10 बज गए हैं रखे हैं पैर में एक पास जाना 10 बजे। हाँ ये अब अच्छा ये इसमें क्या डाला हुआ है? अभी थोड़ा सा पीछे हट जाए। बिस्मिल्लाह ये सारा कमाल कुकिंग बड़ा मुश्किल काम है ये तो, यानी कि हर बंदा ये बना नहीं, नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए जो बड़ी हसन बड़ी मेहनत चाहिए। बड़ी ये देखे ना कितने बेचारे कब के आए हुए हैं लगे। ज़हीर भाई बहुत शुक्रिया आप, अल्लाह आपको जज़ा दे जनाब, दीन दुनिया की नियमतों से माला माल फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ये अभी हम आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ली है कैफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहा था वो तो कहते हैं उसके पहले उसने कुछ कहा है अभी कौन है बोलते मैं सब समझ रहा। अच्छा ये है जनाब इनकी बेकरी जुबैर साहब की माशाल्लाह, यहाँ पे क्या क्या बनता है बता दें जरा। ये सऊदी की जो भी वैरायटी है लाइक बकलावा है, बसूफ है, कुनाफा कुछ दिखाएं बना हुआ है। अभी टाइम शुरू है। अच्छा तो लड़के आना शुरू हो गए हैं। अच्छा ये कुछ रेसिपी है यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे बकलावा बनता है। अस्सलाम वालेकुम, ये बकलावे अभी तो मेरे ख्याल में घंटा लगेगा, टाइम लगेगा सर। सारा कुछ रेडी हो जाए ये सारा जनाब इनका माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद बरकतें दे माशाल्लाह। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह मंदी आलमोस्ट बल्कि तैयार हो ही गई है, अभी ये इसकी करने लगे हैं जी, जैसे बाहर निकाल के देखते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह ये है जनाब मंदी तैयार हो गई है, अब इसे हमने डिवाइड किया है, छोटे छोटे थाल हैं उसमें हमने डिवाइड किया। बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी आज हमें रेसिपी बताई है, अब खा के देखते हैं इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ये अदन से भी पूछते हैं मज़ा आएगा जी इंशाल्लाह। हैं बशर पुत्र माशाल्लाह। ये अभी हम दोबारा आए हैं जी, ये बकलावे, ये क्या है? ये बकलावा तो नहीं, बुसबुसा, वो क्या चीज़ है? वो वहाँ पे तैयार हो रही है, ये है ये हला बेद है। हला बेद, ये सारी स्वीट्स ही हैं सारी। ये क्या है? ये अशबुलबुल है, अशबुलबुल है जी, ये मैंने बनवाई है, सुबह कर लेके जाऊंगा।
सही है। और वो क्या है? ये तो समोसा है। समोसा और वो जो हाँ ये 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 मामूल है, मामूल तमर है। अच्छा ज़बरदस्त। तो बकलावा नहीं बना उस पर कितना? अच्छा जी ये क्या बांध रहे? ये खाने पीने का सामान बांध रहे, समोसा रोल। अच्छा समोसा रोल बांध रहे ये इस तरह का जी। सारा बेकरी की जितनी आइटम्स है ये यहाँ पे, ये इनका किचन है, यहाँ पे तैयार करते हैं, उसके बाद फिर ये आगे लेके जाते हैं अपनी बेकरी में। ये केक तैयार हो रहे हैं, बल्कि हो गए जी। भाई आप मीठा का आ गए इसीलिए आपका पेट बाहर आ गया हुआ है माशाल्लाह। बड़े शानदार केक तैयार हुए हैं जी। अब बकलावा मैं खाने लगा, इसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन मैं व्लॉग अपना यहीं एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, देखते हैं।